हमारा अव्यक्त नाम निर्मल पुष्पा है। ब्रह्मा बाबा ने प्यार से नाम कुंज रखा था, इसलिए हमारा ब्राह्मण परिवार में कुंज बहन नाम चलता है। वर्तमान समय हम पटना सेवा केंद्र पर है। 10 बरस की हमारी उम्र थी। हम जब अपनी लौकिक मम्मी के साथ नानी के घर जा रही थी तो रास्ते में ही जसोदा भवन, जिसको ओ मंडली कहते थे, वो था। रास्ते में ही हमने प्यारे पिताश्री का ओम के धुनी का मधुर आवाज सुना, जिसने बहुत आकर्षण की। तो हमने मम्मी को कहा कि मम्मी, यहाँ लगता है कोई सत्संग है, चलो। तो चले और गए तो बिल्कुल प्रिंड साइलेंस का वातावरण था। हम भी जाए उसी में बैठ गई। वहाँ जाने से प्यारे पिताश्री सत्संग में भाषण करना शुरू किया, शुद्ध भोजन के ऊपर और सत्संग के ऊपर समझा रहे थे, और स्पष्ट रूप में समझा रहे थे कि सत्संग जीवन के नैया को पार करे, कुसंग डुबोए। इसलिए बच्चे, आज के युग में सिनेमा आदि को मत देखना, क्योंकि जैसा चित्र देखता है वैसा चरित्र बनता है। जो भी शिक्षाएं दी, उस शिक्षा में शिक्षा के साथ साथ उसको पालन करने की समर्थी भी उसी टाइम ही दे दी। फिर लास्ट में फिर से ओम की धुनी चली, वो सुनते ही हम अशरीरी बन गई, सारी सभा पूरी हो गई। लास्ट में हम बैठी रह गई तो प्यारे पिताश्री ने हमारे माथे पर हाथ रखा, धीरे धीरे मेरी आंखें खुली और बोला कि बेटी, पहचानती हो? उसी शब्दों में जैसे अपनी पहचान दे दी, हमारे मुख से लगा निकला कि लगता है आपको कहीं देखा है, और देखने से महसूसता हुई ये मेरा असली पिता, मेरा बाबा है। और उसी समय से लेकर चंबक के सदृश ऐसी आकर्षण रही जो रोज मैं जाती रही। हमको इसके पहले 15 दिन पहले हमने बाबा को स्वप्न में कहो व साक्षात्कार में कहो देखा और बोला कि बेटी, अगर श्री कृष्ण से मिलने चाहती हो तो मेरे गोदी में आ जाओ। ये सवेरे उठते ही मैंने मम्मी को सुनाया कि मम्मी, एक सफेद वेश में आदमी देखा जो हमको कहता है कि बेटी, श्री कृष्ण से मिलने चाहती हो तो मेरे गोदी में आओ। मम्मी ने कहा, ये आदमी नहीं बोल सकता है, कोई महात्मा जी बोल सकता है। हमने कहा, महात्मा जी तो गेरू कफन पहनते हैं, मगर इनको सफेद ड्रेस थी। मम्मी ने कहा, पुराने जमाने में ऋषि मुनि सफेद ड्रेस में ही तपस्या करते थे, तो कोई ऐसा ही बोल सकता है। और देखने के बाद जब घर में हम आई तो हमने मम्मी को कहा, मम्मी, मैंने जो सपने में देखा था वो जैसे कि इसका बिल्कुल भाई लगता था। ये नहीं कहा कि यही है, मगर मेरे छोटी होने के कारण मुख से निकला, लगता है इसका भाई। उसी दिन से रोज सत्संग में आना शुरू किया। जब प्रथम दिवस गई तो हम मम्मी के साथ गई, और सत्संग में जाते ही देखा दादी प्रकाशमणि, जो लौकिक में हमारी मासी लगती है, वो भी बैठी थी, दादी चंद्रमणि जी और बहुत ही हमारे स्कूल की सीनियर सिस्टर वहाँ बैठी हुई थी। तो जाने से लगा अपने घर के अंदर जैसे अपनापन महसूस हुआ, ऐसे हमको अनुभव हुआ। माता जी ने हमको सदा सहयोग दिया, पिताजी की तरफ से बंधन आया, मगर उस टाइम में पिताजी बॉम्बे में थे। थोड़े समय के बाद जब आए तो हमको पूरा बंधन में डाला कि तुम इसमें जा नहीं सकती हो। हमने कहा, हम ओम हाई स्कूल में पढ़ती है, ऐसा श्रेष्ठ स्कूल है जहाँ जो ज्ञान मिलता है उसको हर एक को जानना चाहिए, मैं जाऊँ। तो हम छिप छिप के, कोई बहाना करके, मार्केटिंग आदि का करके जाती थी, खुली छुट्टी नहीं थी। पिताजी थोड़े समय के बाद बंधन डालने के बाद बिजनेसमैन होने के कारण वो बॉम्बे गए और आश्रम शिफ्ट होके कराची में आ गया। तो हम आश्रम के एक भाई, बड़े भाई चंद्रमणि दादी जी के पिताजी के साथ हम आ गई
कराची में, तो पिताजी को पता लगा ये कराची में चली गई है, तो उसने आके कचहरी के द्वारा वारंट किया कि ये माइनर है, ये मेरे छुट्टी के बगैर नहीं रह सकती है। तो वारंट में जब पीपी हमारा वारंट लेके आया कि तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि तुम माइनर है, तो हमने कहा और बहनों का केस अलग है, मेरा अलग है, और जो बहनें माइनर होके गई है तो उनका तो माता पिता कोई नहीं चलता है, और हमारा मम्मी हमारे साथ है, तो हम दो बहन दो भाई है, तो बच्चियाँ होनी चाहिए माँ के साथ और बच्चे होने चाहिए बाप के साथ, इस हिसाब से मैं नहीं जाना चाहती। उसने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में बच्चे सब बाप के होते हैं। हमने उन्हें कहा कि हमें ऐसी लगन है जो अगर कोई भी कानून लगा के अगर मेरे को आश्रम से वापस भेजेंगे तो उसका आधा पाप तुम्हारे पर, आधा पाप पिताजी के ऊपर पड़ेगा, क्यों जैसे मछली नीर बिगर नहीं रह सकती है, वैसे मैं बाबा के ज्ञान की मुरली के सिवाय नहीं रह सकती हूँ, इसलिए कोई भी कानून निकाल के आप ऐसा जज करना, तो हम माँ के साथ रहने चाहती है, क्योंकि मम्मी और डैडी दोनों के कनेक्शन से हम पैदा हुई है, तो एक उस तरफ जाता है एक उस तरफ जाते हैं, तो हम मम्मी के साथ रहने चाहती है। इसी में हमने जब उनको कहा कि पाप आधा पाप आपके ऊपर पड़ेगा, तो उसने कहा देखो आप कन्या है, कभी कन्या की वाणी ऐसी लग जाती है मेरे को श्राप न लग जाए, तो हमने कहा आप ये ख्याल करके अगर ईश्वर को याद करके कानून को देखेंगे तो ऐसा कानून आपको मिल जाएगा कि बच्चियां अगर माँ के साथ रहने चाहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब उसने लगन से जाए कानून देखा तो कानून में ये उसको मिला कि अगर बच्ची माँ के साथ रहने चाहती है तो उसमें बाप कुछ नहीं कर सकता। इसी में हमने केस जीता, तब से लेकर हम एक रस आश्रम में सदा के लिए समर्पण हो गई और हमारा लौकिक परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहा। नहीं, हम खुद बंधन में थी तो हमको सहेलियों को मदद करने का मौका नहीं मिला, मगर बाबा सदा हमको कहते थे तुमको हनुमान बन के अपनी लौकिक मम्मी जिसका नाम सती था उस सीता को बचाना है। तो हम युक्ति से हमेश बाबा के पास जाके संदेश लेके आती थी और मम्मी को बाबा के ज्ञान की मुख्य पॉइंट सुनाने से उसके अंदर शक्ति आ जाती थी जिसका बंधन काटने में सदा सहयोगी रही। बचपन से ही जैसे आई तो बाबा को जैसे देखने से हमारा परिवार से बिल्कुल नष्टोमुआ हो गई कि ये मेरा असली पिता है। जो हमारा लौकिक पिता भी हमको कहता था तुम बाबा को ही पिता मानती हो, तो हम कहती थी कि हम आपको दादा नहीं बोलती है, तो कहते बोलने से कुछ नहीं होता है, हमको महसूसता आती है कि तुम हमको बाप नहीं महसूस करती हो, तुम उसको ही मानती। तो हम सदा बाबा के साथ संजय में बचपन से रही, हमको दुलार से ही प्यार करके बाबा ने आगे बढ़ाया। उसी टाइम में सिंधी लोग के तरफ से बहुत ही विघ्न आते थे, कभी पिकेटिंग करते थे कभी क्या करते थे, तो वो पीरियड पहला हमारा बंधन में रहा और हम छिप छिप करके आई, और जब से हम आई तो इसे ईश्वरी विद्यालय के अंदर हम जैसे गॉडली स्टूडेंट बनके अपने पढ़ाई के अंदर तत्पर रहती थी, और उसी में लगन में होने के कारण हमारा और कोई तरफ ध्यान नहीं जाता था। जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हुआ था तो प्यारे बाबा ने हम 12 बच्चों को अखंड योग में बिठाया था और कहा था यही इस यज्ञ के रिख्या की रीत है। उसमें हम कुछ बहनें थी जिनको गद्दी पर बैठ के योग कराना होता था, और बाबा का कहना था जिसके घंटे में अगर कोई विघ्न आया तो वो योगी फेल गिना जाएगा। तो सचमुच पाकिस्तान के पीरियड में अखंड योगी हमारी रिख्या थी और शिव बाबा के मदद से कभी ऐसा कोई विघ्न नहीं आया, योग से ही हम लोग की जैसा रिख्या होके हम सदा पार किया। पर पाकिस्तान में क्या हुआ, बाबा ने अखंड योग में हम लोग को ऐसा रखा जो हमें संसार की कोई न्यूज नहीं थी। जब हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने के बाद गॉडली सर्विस पर गए तब हमें पता लगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, गोया हम लोगों ने अखंड योग के द्वारा ही अपने यज्ञ की रिख्या बाबा ने कर ली थी। बाबा ने पहले हमको जब दिल्ली जाने का संदेश दिया
तो हम छोटेपन से बंधन में होने के कारण मेरा बाबा से डायरेक्ट जैसे कनेक्शन हो गया था, तो हमारी बाबा में अटूट ममता होने के कारण हम बाबा को कहा था, बाबा हमने वायदा आपसे किया है तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से उठूं, तुम्हीं से बोलूं, हम दिल्ली में जाके जब कागज से मुरली पढ़ेंगी तो हमको तो बहुत दुख होगा, इसलिए अगर ईश्वरी सेवा करनी है तो बाबा हम अबू में ही करेंगे। तो बाबा ने कहा अबू में तो मैं बैठा हूँ, लायक बेटे का काम है बाहर जाए सेवा करना। तो जैसे एक बाबा ने हमको बड़ा तैयार करके सेवा पर भेजने में बड़ी मेहनत करके तैयार किया सेवा में जाने के कारण लिए, और जब बाबा ने हमको भेजा तो बाबा ने हमको वरदान दे के भेजा कि देखो बेटी तुम्हारे वार भी गिंगरू गिंगरू वाले ऐसे है, तुम जब भी योग में बैठेगी कोई को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, कोई का क्या होगा, अब तुमको जाने का मन नहीं है, मगर जब तुम जाएंगी और आत्माओं को सुख मिलेगा, साक्षात्कार होगा, तुम्हारा मन लग जाएगा। तो हम दिल्ली सेंटर पर सबसे पहले आई तो कमला नगर की माताओं को बहुत ही, कभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कोई को शंकर का साक्षात्कार आदि होता था, तो बहुत ही हमको आगे सेवा के अंदर परम आनंद की प्राप्ति हुई, हम लगन से लगती गई। और भी सेवा में ये अनुभव किया, हमारे बड़े भाई जगदीश जैसे जैसे आए तो हम जब उनको कोर्स कराती थी वो अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछते थे, जैसे बाबा हमको अंदर से जवाब देते थे तो उससे हम निश्चिंत होके सेवा में मन लगा के सेवा में सफलता प्राप्त करती रही। तो कलकत्ता सेवा केंद्र पर सुबह सवेरे सवेरे 3:30 बजे बॉम्बे से फोन आया तो बाबा अव्यक्त हो गए। ये सुनते ही हम एक सुन के तरफ हो गई। हमारी बड़ी दीदियाँ, दीदी निर्मल शांता जी, दादी संकरी दादी जी मेरे साथ थी, वो जाने की तैयारी करने लगी कि हम माउंट अबू जाएंगी, और हमको ड्यूटी दी बाबा के जितनी सिंधी संबंधी आएंगे उनको खबर करके सेवा करने की। तो हम अपने दिल को बहुत मजबूत करके क्लास के गद्दी पर योग करने बैठी, और योग करते ही जैसे मैं बाबा के लव में जैसे लवलीन हो गई, और हम बाबा को कहने लगी कि बाबा जितने संदेशी है वो तो साक्षात्कार में आके आपसे मिलेंगे, हम तो संदेशी है नहीं तो हम आपसे कैसे मिलेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे आगे तो कुछ पूछना होता था तो पत्र लिख के पूछते थे तो इतनी देर लग जाती थी, अभी बाबा का तुम बच्चों के टाइम लिपृत स्पेशल टाइम बाबा से मिलने का 2 से 5 बजे का है, तुम जब भी 2 से 5 बजे योग में बैठेगी बाबा सन्मुख होगा, जो बाबा से बातें करने चाहो करने चाहो। तभी से लेकर हमको अनुभव होने लगा हमारा बाबा गया नहीं है, बाबा हमारा सदा साथ है, जिस टाइम भी हम बाबा को अमृत वेले योग में याद करेंगे तो बाबा हमारे सामने होगा। और बाबा ने जैसे हमको कहा बच्चे 2 से 5 तक हमारा टाइम बच्चों के लिए है, 5 बजे के बाद भक्तों का टाइम है, इसलिए तुम बच्चे 2 से 5 बजे जब बाबा से मिलने चाहो तो तुम बच्चों के लिए ये टाइम रिजर्व। मम्मा को देखते ही हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारी असली माँ है, जबकि हम मम्मा को लौकिक लाइफ में भी जानते थे स्कूल आदि के कनेक्शन से, क्योंकि मम्मा गीत बहुत सुंदर गाती थी तो फंक्शन में सदा उनको देखते थे, मगर जब हम ओम मंडली में आए और मम्मा को देखा देखने से ही लगा ये हमारी असली माँ है। माँ की भासना आई और मम्मा ने प्रैक्टिकल में माता रूप में हम सबकी हर प्रकार से स्थूल सूक्ष्म पालना की, और जो मम्मा जो हम सबको शिक्षा देती थी, मम्मा गुणों की मूर्ति होने के कारण हम बच्चों को बहुत सजाया जिसका तो मुख से वर्णन नहीं कर सकते। मम्मा हम बच्चों को सदा बोलने पर शिक्षा देती थी, बच्चे पहले तोलो पीछे बोलो, ऐसे नहीं पहले बोलो पीछे तोलो, इसलिए जब भी मुख से शब्द बोलो तो तोल के बोलो, ऐसे प्रकार से मम्मा हम बच्चों को सदा शिक्षा देती थी, बच्चे कोई का अवगुण चित्त पर नहीं देखो, गुण सबका देखो अवगुण अपना देखो। तो मम्मा ने जैसी हम बच्चों का स्थूल सूक्ष्म में पालना करके हम सबको ऐसा सजाया जिसके द्वारा ही हम आज शिव शक्तियां सेवा पर उपस्थित। बाबा तो हम बच्चों को सर्व संबंधों में पालना दी, बच्चे बाप के रूप में पालना दी, जब बीमार थे
तो हमारी बचपन से त्याग वृत्ति रहती थी, तो बाबा स्वयं अपने साथ बिठा के जो भी हमें खुराक देनी होती थी अपने साथ खिला के पालन किया। बाबा ने हम बच्चों से सखा के रूप में बास्केटबॉल खेल पाल रास विलास में सदा हम बच्चों को खिलाया। तो हम सब ने बाबा द्वारा अनुभव किया कि बाबा में शिव बाबा हमारे साथ है, जिसके साथ हमारा एक संबंध नहीं, हमारा सर्व संबंध है। जो भक्ति मार्ग में गाते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याद्रम, सर्व संबंधों का अनुभव हम बाबा में बाबा को देखने से अनुभव किया, जिसका तो मुख से क्या वर्णन करें। सारी जीवन 33 बरस उसके संग हर संबंध में हर प्रकार के पालना के रूप में सर्व संबंधों का अनुभव किया। बाबा ने सबसे हमें आत्मक स्वरूप का पहचान दी, तो आत्मक स्वरूप की पहचान देने से हम बच्चे पवित्र पोडे थे। हम लोग को दुनिया का कोई अनुभव नहीं था, नेचुरल वे में हम आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव किया। जब भी किसको देखते थे तो जैसे हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है, वो हम सब ने नेचुरल वे में अनुभव किया। और दूसरा, हम सब का जन्म सिंधी फैमिली में होने के कारण बाबा ने खान पान आहार विहार संग सोसाइटी पर सदा ज्ञान दिया। साथ साथ परमात्मा पिता का बाबा ने हम बच्चों को सरल रूप में ऐसा परिचय दिया जो हम छोटे बच्चे सहज पहचान सके। बाबा ने कहा प्रत्येक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक एक परलौकिक। लौकिक पिता शरीर का पिता है, परलौकिक पिता आत्मा का पिता है। उस पिता का नाम रूप ऑक्यूपेशन गुण कर्तव्य को जानना चाहिए। तो हम सहज ही परमात्मा पिता का परिचय बाबा के द्वारा जाना, और बाबा जो जाना जो पहचान देते थे उसमें जैसे कि हमारी बुद्धि के अंदर सेट हो जाती थी, यही ट्रुथ है, और उससे नेचुरल वे में हम सब ने अपनी जीवन प्रैक्टिकल में बनाई। हम लोग हर प्रकार की यज्ञ की मनसा वाचा कर्मणा सेवा सेवा करते थे। हम सब यज्ञ के अपने को मम्मा बाबा के सेवा के साथी बच्चे जन्म से लेकर समझते थे, इसलिए कैसा भी डिफिकल्ट काम होता था उसमें सदा हां जी का पाठ सदा करते थे। तो उस प्रकार से हम छोटेपन में बस सर्विस में भी दीदी के साथ साइकिल सब डिपार्टमेंट के अंदर सब में रहे। बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए अबू में आए तो हमें रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बाबा ने रखा था। तो रेशन डिपार्टमेंट के अंदर कराची में मैं असिस्टेंट थी, हमको कहा यहाँ तुम हेड बनना। तो हमने बाबा को कहा, बाबा मम्मा ने कहा, तो मैंने कहा मम्मा हम हेड नहीं बनेंगी, हम असिस्टेंट बनेंगी। तो बाबा ने मम्मा ने जब बाबा को सुनाया तो बाबा ने कहा ठीक है, शिव बाबा के भंडारे का हेड तो बाबा ही है, तुम मेरा असिस्टेंट है। तो बाबा ने हमको लास्ट में रेशनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर रखा था। उसमें प्यारे बाबा एक दिन में सारे मास का रेशन आता था। हमारा प्यारा बाबा स्वयं मम्मा और बाबा गेहूं सफा करने बैठते थे और हमको कहते थे कि बोर्ड पर लिख दो कि नींद आज नींद हराम है। बस हमको कहते थे जो भी सोया हुआ है उनका नाम लिख दिया। तो मैं जब जिस कमरे में जाती थी हमारी सखियां देखती थी तो सब हमको कहते हम आ रहे हैं आ रहे हैं, हमारी प्यारी सखियां हैं, उनका हम नाम कैसे लिख के आए। हम उनको कहती थी हम धीरे धीरे चल रही है, आप जल्दी से सेवा में बाबा के पास पहुंच जाओ। उसके अलावा का हमें अनुभव है, हम जब अबू में थी तो हमारी ड्यूटी थी अबू में जितने गेस्ट आते थे उनको कोर्स कराने की। तो बाबा का ये नियम रहता था सातवें दिन बाबा सब स्टूडेंट जो नए आते थे उनसे मिलते थे। तो एक बहुत फिल्म का शूटिंग करने वाला था जिसका कोर्स हमने पूरा किया, तो बाबा को मैंने कहा बाबा आज इसका सातवां दिन है, आप ऊपर चलो तो हम इनको मिलाने के लिए आए। बाबा ने कहा आज तो हम गेहूं सफा करने बैठे हैं, भले बच्ची यहाँ ही आके मिलाओ। तो हमने मम्मा को कहा, मम्मा हमने सात दिन उसको सुनाया कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में परम धाम छोड़ के आया है, वो आके देखेगा गेहूं सफा कर रहा है तो वो क्या होगा।
तो मम्मा बाबा सुन रहे थे, बाबा ने कहा कि मम्मा कुंज बेटी को दे अपमान आता है, मेरा इतना ऊंचा बाबा और उसको वो देखे आके कि गेहूं सफा कर रहा है। तो बाबा भी जैसे कबहा कृष्ण हठ हठ चरित्र से बाबा ने कहा आज मिलाना है तो मैं यहीं मिलूंगा। हमने कहा बाबा तो फिर मैं ले आती हूँ। सचमुच उस दिन बाबा की कहें शिव बाबा की गतमत वो ही जाने, हम इस उसको कोर्स करा के और सातवें दिन बाबा से मिलाने पर गेहूं पर ले आई। वो जैसे ही आया बाबा को देखते ही उसका विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा को देखते ही ऐसा किया, बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा बेटा इसको पकड़ना कभी गिर ना जाए। और वो एकदम बाबा को देखते ही कहा बाबा आप तो विष्णु का अवतार है, हमने आपको आज जान लिया पहचान लिया आदम। तो सचमुच ऐसे बाबा के अनेक चरित्र हमने देखे। इसी प्रकार से बाबा ने एक दिन मुरली में चलाया था, अबू में आए थे कि बच्चे तुम्हारे रिद्धि सिद्धि वाले थॉट रीडर तुम्हारा थॉट चेकिंग करने के लिए आएंगे, तुम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा थॉट कोई रीड करे ऐसा होना नहीं चाहिए। सचमुच दो दिन के बाद थॉट रीडर आए थे, हमारी बिरजंद्रा दादी उनको कोर्स करा रही थी और बाबा घूमने जा रहे थे। जानकी दादी और हम बाबा के संग सारे झुंड में जा रहे थे। बाबा ने लौट कर हम दोनों को देख के हम दोनों को कहा आप जाके बिरजंद्रा दादी के साथ योग में दोनों बैठ जाना। हम दोनों आके योग में बैठ गए, तीन चार थॉट रीडर थे तो वो सब हम लोग को देखते। बिरजंद्रा दादी उनको आत्मा का लेसन देते देते हम सब योग में बैठे, वो भी एकदम साइलेंस होके बैठी। तो वो सब थॉट रीडर हम तीनों बहनों के चरणों में झुके कि हम तो थॉट रीडर बन के आपका इम्तिहान लेने के लिए आए थे, मगर सचमुच आप भगवान के बच्चे हो जिनका थॉट हमको यही मिला कि हम आत्मा परमात्मा शिव की संतान है, उसके सिवाय कोई भी हमको थॉट आपका नहीं मिल सका, हम अपनी माफ़ी मांगते हैं कि हम खिमिया हमको करना। ऐसे करते हम उन सब के बाद कोर्स वालों के पास बाबा के पास गए। हमने कहा बाबा आप तो जानी जाननहार है, आप जानते थे ये थॉट रीडर आए हैं जो हमारा थॉट रीड करेंगे? तो उन्होंने हमारे ऐसे कहा। तो बाबा ने कहा जितना बच्चे तुम निरंतर योग में रहेंगे तो तुम ऊंचे ते ऊंचे भगवान बाप के बच्चे, कभी भी उनका नेगेटिव थॉट्स वो पा नहीं सकेंगे, सदा पॉजिटिव थॉट्स पाएंगे। हमने सफेद वस्त्र पहना तो घर में ही शुरू किया था, क्योंकि बाबा ने जो बोर्डिंग बनाया उसमें बाबा ने सफेद ड्रेस और उसके ऊपर ओम का बीच में कढ़ाई का रहता था, वो देखने से हमको बहुत अच्छा लगता था। जो बाबा बोर्डिंग में जो नियम चलाते थे हमको अच्छा लगता था, घर में रहते भी हमने ये ड्रेस पहन। यूं तो इस ड्रेस को देख के हमारा पिताजी कहने लगा ये विधवापन की ड्रेस हमारे घर में कहाँ से आई, तो हमने उन्हें जवाब दिया ये तो राजाई ड्रेस है, रोज पहनो रोज उतारो धोबी धोएगा, जिसमें कभी मन में संकल्प नहीं चलता कि कल हमने ब्लू पहना तो आज ग्रीन पहने या आज पिंक पहने, तो वाइट ड्रेस एक राजाई ड्रेस है, नित्य पहनो ये। और तब से लेकर हमने सफेद ड्रेस को अपनाया। थोड़े बड़े हुए जब अबू में आए कराची तक हम फ्राक पैजामा पहनते थे, अबू में आए तब तक फ्राक पैजामा पहना, प्रथम हम दिल्ली सेंटर पर जब उतरे थे तब से साड़ी पहनना शुरू किया और आज तक ये सफेद ड्रेस है। मगर जब से बाबा ने हम सबको सफेद ड्रेस पहनाई तो फ्राक भी हम लोगों ने मर्यादा पूर्वक लंबी बाहों का पहना, कुर्ता पैजामा पहना तो भी लंबी बाहों का, मगर बाबा जो प्रोग्राम बनाते थे हम सबको अति प्यारा लगता था, दिल से स्वीकार करते थे। और विदेश की ड्रेसें आज जो भी थी वो जैसे लगती थी देहा की गांव की ड्रेस है, ऐसा करके हम छोड़ देते थे। हमारी मम्मा हम लोग को शिक्षा देती थी कि बच्चे जो परा हुआ कपड़ा है उसको पहन के तुम पूरा करो, तो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़ों को नई ड्रेस करके पूरा करके पूरा किया, बाकी दिल में वाइट ड्रेस बहुत प्यारी लगी। और संगठन में रहने के लिए हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अपनी बुद्धि को सदा हमने बाबा के पढ़ाई पढ़ने में पॉइंट्स लिखने में बिजी किया
और दूसरा संगठन में रहने से मम्मा ने सिखा दी थी, सबका गुण देखो, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, तो वो शिक्षा मिलने से सबका गुण देखना है। हम एक ही परिवार है जिस कारण हमको सारे संगम युग में 60 बरस के अंदर किससे भी कभी एडजस्ट होने में, किसका किसके बड़ा बन के छोटा बना के हैंडलिंग करने में और छोटा बन के बड़ों के अंडर रहने में हमको कभी भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेचुरल वे में हमने अपनी सारी जीवन को व्यतीत किया। फिल्म देखने वालों के प्रति हमारा ये मैसेज है, सचमुच ये जो भी ये कहानी देखेंगे वो ही यदा यदा परमात्मा के अवतरण की कहानी है, जो परमात्मा पिता शिव यदा यदा के वायदे अनुसार अवतरित होके अपने बच्चों को अध्यात्मक ज्ञान की, सहज राजयोग की और दैवी गुणों की शिक्षा देके मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने की अथवा घर घर को स्वर्ग बनाने की शिक्षा दे रहा है। तो हम उन सब के प्रति भी मेरा संदेश है कि जीवन की घड़ियां बहुत गई थोड़ी रही, बाकी बची हुई जीवन के अंदर पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो, अपने घर को भी स्वर्ग बनाओ और सबको स्वर्ग बनाने के लिए फिल्म के द्वारा सबको संदेश दो कि अब स्वर्ग आया कि आया और उस स्वर्ग में चलने की तैयारी करो। ओम शांति। ओम शांति।